देवेंद्र, अगर हम बात करें गुरुग्राम की, यहाँ पे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में इस बारिश की वजह से कितना अंतर देखने को मिला है? देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम के आसपास कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर सुबह आई थी और उसके बाद से सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके बाद जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। जहां रोजाना 44 से 45 जो तापमान था, डिग्री सेल्सियस का तापमान था, वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन उस बीच आज तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है, जबकि आज गुरुग्राम में 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान नोट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन अभी भी जो उमस भरी गर्मी है, क्योंकि हवा बंद हो गई है जिसके चलते उमस बनी हुई है, लेकिन लगातार जिस तरह से लू के तपेड़े लोगों को झेलने पड़ रहे थे, लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, ये कहें कि आसमान से बरसती हुई आग लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी, तो उसमें थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है, बारिश आ सकती है, जिसके बाद तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि आज भी 39% जो संभावना है वो बारिश की गुरुग्राम में बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बादल छाए हुए हैं उस बीच जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल रही है। संजय, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लोगों को कितनी राहत इस बारिश से? पूरी राहत है, लेकिन बहुत बड़ी राहत है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर किस तरीके लगातार गर्मी प्रचंड रूप से पड़ गई थी, इस वजह से ज्यादा क्योंकि लोग इसकी वजह से कई मौतें भी हो गई है पिछले दिनों, लेकिन आज ईश्वर ने कृपा करी, प्रवासी ने कृपा करी, मौसम सुहाना हुआ, बादल छाए गए और ठंडी हवाएं सुबह चल रही थी, जब हवा चल रही थी तो कहीं ना कहीं पारा जो उनसे 3 से 4 डिग्री नीचे लग गया था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से गर्मी पड़ी थी उस तरह लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक तरफ गर्मी बहुत ज्यादा थी, एक ये भी थी कि उसको कई मौतें हो गई, इसके साथ साथ जल संकट भी यहाँ पर बहुत बड़ा बना हुआ था। और अब जिस तरह से अगर बारिश की बात करें, फिलहाल बारिश को यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन बादल आसमान में छाए हुए, लोगों की गर्मी से जरूर राहत मिली है, इस वजह से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वरना अगर देखते कल तक की बात करें तो कल तक लड़कों का सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि लिख रही इतनी ज्यादा थी कि लोग परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से, लोग निकल परेशान कर रहे थे, लेकिन आज क्या दिक्कत वाले उन पर कृपा करी है, राहत करी है। और सुबह से जो मौसम बना हुआ है लोगों को खड़ी हवा भी नहीं महसूस हुई यहाँ पर, हालांकि अभी बादल छाया है लेकिन अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन उससे लगता है कहीं ना कहीं अभी जो दिल्ली वालों की राहत हो गया है वो निकली, अभी मानसून जब आएगा इसके बाद दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी मानसून की बात करें तो मानसून आने में कुछ समय अभी ठीक है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को जो फोन राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बहुत राहत मिलती हुई नजर आई है। बिल्कुल। और पीयूष, अगर हम गाजियाबाद की भी बात करें तो आगामी दिनों में ये राहत बरकरार रहने की उम्मीद है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा, अगर बारिश की बात करें, बरसात की बात करें तो? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से कल देर रात बूंदाबांदी हुई है उससे मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तापमान में भी 5 से 6 डिग्री की गिरावट आप कह सकते हैं कि दर्ज की जा रही है, 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बना हुआ है, जो नॉर्मली पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 45-46 के आसपास बना हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो ये पूरा चैम्बर बना हुआ नजर आ रहा था, जहां देर रात तक गर्म हवाओं के थपेड़े आप चेहरे पर महसूस कर सकते थे। अगर आप 8-9 बजे भी सड़कों पर निकल रहे, घर से निकल रहे, तो वो गर्म हवाओं के थपेड़े वो आपको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक गर्मी साफ तौर पर हवाओं में भी महसूस की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो हीट वेव थी उससे राहत नजर आ रहे, क्योंकि हवाओं में नरमी है। हालांकि जो बारिश हुई है उससे ह्यूमिडिटी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, जिससे जो नमी है वो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है, पर गाजियाबाद में हवा चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में नमी के साथ में हवा ठंडक और राहत पहुंचाती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों की गर्मी में, पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें, 44 से ज्यादा मौतें गाजियाबाद में गर्मी की वजह से दर्ज की गई थी, तो जिसके बाद तमाम तरीके के गर्मी से बचने के उपाय और तमाम तरीके के गर्मी से प्रार्थना करते हुए लोग नजर आ रहे थे कि किसी तरह से बारिश हो जाए। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून का अनुमान लगाया गया था, तो ऐसा कह सकते हैं कि प्री मानसून की
हल्की बारिश की कुछ बूंदें, कुछ देर की बारिश यहाँ गाजियाबाद में नोट की गई, जिससे राहत भरी खबर है कि तापमान में गिरावट हुई है और कहीं ना कहीं राहत भरी सांस यहाँ से लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी क्यों ना, लगातार एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो जो गर्मी का आलम था, आप कहीं भी सड़कों पे दिन में किसी भी तरह से काम पे निकल जाए, प्रशासन तमाम तरीके की अपील करता हुआ नजर आ रहा था, तो वो गर्मी साफ तौर पर महसूस हो रही थी और उसका असर भी लोगों पर देखा जा रहा था। गनीमत की बात है, तापमान में गिरावट आई है, हवा चल रही है, हवा में नमी है, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है और जो लू का असर या लू के थपेड़े लोगों को महसूस हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं राहत की बात नजर आ रही है। निश्चित रूप से हमारे साथ विजय कुमार भी जुड़ गए हैं नोएडा से। विजय, नोएडा उन शहरों में से एक है जहां पे हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट्स जारी किए जा रहे थे, इस बारिश के बाद अब आगामी राहत की उम्मीद? तो चली तो कहीं ना कहीं देर रात्रि से और अभी तक की बात की जाए तो अभी भी जो तापमान है नोएडा में 33 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं इस समय राहत की लोग यहाँ पे साथ ले रहे हैं। जिस तरीके से उस समय समझो 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता था, पर आज बहुत गनीमत है कि आज 33 डिग्री ही टेम्परेचर है और उसके बाद से लोगों के आने जाने में राहत मिल रही है, क्योंकि आज सुबह से ही तेज हवाओं की अभी देखा जा रहा है और इस हवाओं में नमी भी देखी जा रही है, क्योंकि अब आज रात भी खास जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देर रात सुबह तक बारिश हुई है, तो उसका अनुमान पहले से नोएडा देखा गया, पर आज सुबह से ही जिस तरीके से हवाएं बह रही है उससे काफी नोएडा वासियों को राहत मिल रही है। निश्चित रूप से धन्यवाद आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर हम मौसम विभाग की तरफ से बात करें और साथ ही साथ में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो बदलते मौसम को लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है और मौसम विभाग का बाद आगामी समय के लिए क्या अनुमान? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो मानसून की आहट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि मानसून कब तक यहाँ पहुंचेगा, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो संभावनाएं हैं वो ये बताया जा रहा है कि अभी 5 से 7 दिन और लग सकते हैं, लेकिन इस बीच कुछ जगहों पर बारिश आ सकती है जिसकी अनुमान लगभग 36 से 40% का अनुमान बताया जा रहा है कि बारिश आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो हवा का दबाव है वो कम हुआ है और जिस तरह से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है, तो वो एक कारण हो जाता है कि बारिश जल्दी आने का, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और इसके अलावा हिंद महासागर से उठने वाली जो उमस की जो बारिश की जो बूंदे है वहां से बनकर चलती है, तो उसको लेकर कयास मौसम विभाग की तरफ से यही लगाया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जो हवा का दबाव था जो लगातार मानसून को लेट कर रहा था उसमें राहत मिली है, तो जल्द ही अब बारिश आ सकती है, मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश आ रही है, तो अब धीरे धीरे यही अनुमान लगाया जाता है कि जब मुंबई में महाराष्ट्र में जब दस्तक देता है मानसून तो उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में मानसून अपनी दस्तक देता है, तो अब यही कयास है कि जल्द बारिश आए, लेकिन इसके बीच मौसम विभाग भी लगातार जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर रहा था कि लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि लगातार हीट वेव्स चल रही थी, लेकिन आज जब आसमान में बादल छाए हुए हैं तो उससे थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि ये उमस भरी गर्मी है और अभी बारिश जब तक नहीं आती जब तक राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि भले ही हीट वेव से थोड़ी राहत मिली हो लेकिन जिस तरह से लगातार अभी भी तापमान में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो उमस है हवा चल नहीं रही है जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस बीच बुजुर्ग और बच्चों के लिए सबसे अहम बात हो जाती है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले इस मौसम में, और अब स्वास्थ्य विभाग का भी यही अनुमान है कि बारिश जब आएगी तो बारिश के बाद ही थोड़ी राहत लोगों को मिल पाएगी, क्योंकि लगातार अस्पताल में जो ओपीडी थी वो बढ़ रही थी, चाहे वो आंखों की जलन की बात हो, सांस के मरीजों की बात हो, इसके अलावा जो सांस लेने में बुजुर्ग लोगों को दिक्कत हो रही थी उसका एक कारण यही था कि लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी, इसके अलावा एक बिजली विभाग की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी इस गर्मी के बीच, लगातार जो ट्रांसफार्मर थे वो गर्म हो रहे थे, जो ट्रांसफार्मर घरों में बिजली देते हैं उन्हीं को बिजली की जरूरत पड़ रही थी, उनको कूलर की जरूरत पड़ रही थी, ठंडे पानी की जरूरत पड़ रही थी, उनको बकायदा कूलर लगाकर ठंडा किया जा रहा था जिससे जो बिजली है उसकी आपूर्ति पूरी की जा सके, लोगों में तक पहुंचाया जा सके, सप्लाई पूरी दी जा सके,
तो ये बिजली विभाग भी लगातार कयास कर रहा था और वही एक कारण था कि लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी तो उसके कारण बिजली की तारें पिघलने लगी थी और ट्रांसफार्मर में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ रही थी। तो वो एक कारण था कि लोगों को एक तरफ आसमान से बरसती हुई आग का सामना करना पड़ रहा था, परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बिजली के लंबे कट भी लोगों को झेलने पड़ रहे थे और यही कारण था कि लोगों का परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। और इसी बीच देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास में, संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर आप अब मौसम की बात करें, बारिश के बाद में क्या दिल्ली में अभी भी बादल छाए हुए हैं या फिर एक बार फिर से प्रचंड गर्मी की मार लोग झेल रहे हैं? फिलहाल दिल्ली वालों को राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि आसमान पे अभी भी बादल हैं, हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चली, जो कल तक गर्म हवाएं चलनी थी जिसको हम कहते हैं लूट वेव, वो बहुत ज्यादा तेज थी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कई लोगों की मौत भी हुई है। जैसे प्रशासन को भी जागना पड़ा, उन्होंने दिशा निर्देश दिया अस्पतालों को, सरकारें भी जागी इसको लेकर, लेकिन आज जब सुबह दिल्ली सोकर उसे तो उनको कुछ राहत मिलती हुई नजर आई। दिल्ली वालों को की बात करें तो क्योंकि दिल्ली वाले वैसे ही परेशान थे, पानी का संकट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक रोड के कारण उनकी मुश्किल और बढ़ गई थी और इसकी वजह से बीमारियां भी उनकी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही थी। तो आज जब दिल्ली वाले जब सोते उठे तो उनको लगा, जब वो बाहर निकले तो उनको लगा कि शायद आज ठंडी हवा जब उन्होंने चलती देखी तो उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान सी नजर आई। जिस तरह से कहा जा सकता है कि क्योंकि बहुत परेशान थे, क्योंकि खाद में उठते थे, बाहर निकलते थे, जॉब पे जाते थे, तो उनको जो गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता था वो उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन जब आज उठते जब वो अपने ऑफिस की तरफ निकले बाहर निकले तो उनको लगा कि आज ठंडी हवाएं राहत है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को आज कभी ना कहीं कह सकते कि दिल्ली वालों को मामले थोड़ी राहत, जिसको हम कह सकते कि थोड़ी राहत है। आने वाले समय में जब तक मानसून पूरी तरह से दिल्ली में आए, जब तक पूरी तरह से राहत नहीं मिलती नजर आई। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी डिस्टर्बेंस की वजह से ये थोड़ा ये जो मौसम है इस तरह का हुआ है, लेकिन दिल्ली नजर आ रही है। हालांकि उमस भी थोड़ी बढ़ गई है दिल्ली वालों, लेकिन जो जिस हीट वेव का वो परेशान थे, उस हीट वेव से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई गर्मी नजर आ रही है। निश्चित रूप से पीयूष, हम गाजियाबाद की अगर बात करें, अचानक बारिश से मौसम में तो बदलाव देखने को ही मिला, राहत भी मिली, लेकिन पावर कट से क्या लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आई? देखिए, गाजियाबाद के तमाम इलाकों में पावर कट दिखाई दे रहे थे, 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हर जगह उसका, जब बिजली की लाइन में कहीं फॉल्ट होता था तो पावर कट निश्चित रूप से पूरे इलाके में हो जाता था। तो ऐसे में तापमान गिरने से जो इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की बात है या जो पावर कट्स उसके कारण किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे उसमें कमी देखने को जरूर मिलेगी। और एसी और तमाम तरीके की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिनसे राहत ठंड या गर्मी से राहत पाने की कोशिश लोगों द्वारा की जा रही थी, तो उनका उपयोग भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि तापमान में 6-8 डिग्री की गिरावट है, तो ऐसे में उनका उपयोग कम होगा तो लोड भी निश्चित रूप से बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर पर कम पड़ेगा। और जब लोड कम पड़ेगा वो अपनी कैपेसिटी में काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके फूकने या फॉल्ट आने की घटनाएं में भी कमी आएगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं राहत की खबर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, पर जिस तरीके से आज तापमान में कमी है, अगर ये 1-2 दिन और बना रहता है तो निश्चित रूप से लोगों को राहत होगी। अगर गर्मी दोबारा से, क्योंकि सूरज निकल चुका है, गर्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है पर हवाएं चल रही है, राहत की बात यह जो लू है, हीट वेव है, उसका सामना लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। पर अगर इसी तरीके से सूरज साफ दिखाई देता रहा तो आने वाले 1-2 दिनों में गर्मी फिर वही प्रचंड स्वरूप लेगी और वो तमाम तरह की दिक्कतें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो यही एक प्रार्थना रहेगी गाजियाबाद में रहने वालों की कि 2-3 दिन पे लगातार ऐसी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रहे और जो तापमान और मौसम सुहाना बना रहे जिससे लोगों को राहत महसूस होती रहे। बिल्कुल पीयूष, देवेंद्र और संजय, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा को। हम तक